हमारा डेलीगेशन कांग्रेस की तरफ से अभी अभी चुनाव आयोग से आया है। 5 मुख्य मुद्दे हमने उठाए उनके समक्ष। चुनाव आयोग ने हमें बहुत ध्यान से सुना है और आश्वस्त किया है कि कुछ केसेस में एक्शन शुरुआत कर दी गई है, कुछ में चल रही है तहकीकात। पहला मुद्दा था जो हमने पहले ही उठाया था कि चुनाव के दौरान एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीय जिसका इस्तेमाल करते हैं यानी भारतीय रेलवेज, उनके टिकटों, उनके अलग अलग कागज़ों के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री की तस्वीर आ रही है। अगर तस्वीर किसी भी कैंपेनर की आती, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, एक ऐसे प्रक्रिया में जो भारत के सैकड़ों करोड़ों लोगों के साथ जुड़ी है यानी भारतीय रेलवेज, तो निश्चित रूप से ये समतल ज़मीन, लेवल प्लेइंग फील्ड जो अति आवश्यक है गणतंत्र लोकतंत्र में, एमसीसी के दौरान उसका उल्लंघन होता है, घोर उल्लंघन होता है। जहाँ तक हमारी सूचना है, हमारे तथ्य हैं, उसके अनुसार इसका एक गंभीर मत लिया गया है चुनाव आयोग द्वारा और उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमें आशा और विश्वास है कि या तो ये प्रतिबंधित हो गई है या होने ही वाली है। ये तुरंत रुकनी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल धरातल को अनइवन कर देती है, बराबरी से हटा देती है। दूसरा जो आपके समक्ष पब्लिक डोमेन में आया, अत्यंत विचित्र बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जैसा उच्च पदासीन व्यक्ति अपने खुद के हेलीकॉप्टर में इतना बड़ा ब्लैक बॉक्स लेके उतरता है। ये कर्नाटक का विषय है, इसकी कंप्लेंट तुरंत की गई थी। जब ये हुआ तो चुनाव आयोग ने भी नोटिस जारी किया। उसके 4 या 5 दिन पहले हम लोग सब आए थे और बताया था चुनाव आयोग को कि अरुणाचल प्रदेश में एक तरफ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं और उनसे 100-200 मीटर दूर एक गाड़ी में लगभग 2 करोड़ रुपए पाए गए हैं, तो ब्लैक बॉक्स की आवश्यकता क्या है? प्रधानमंत्री के साथ ही जाए, इसकी तहकीकात अति आवश्यक है। आज तक हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है बीजेपी से। चुनाव आयोग को हमने कहा कि इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए, बल्कि आम तौर पे अगर आप और हम, छोटा हो, बड़ा हो, नीला हो, लाल हो या काला बॉक्स हो, कोई बॉक्स लेके अगर घूमने लगे दिल्ली की सड़कों में भी, और वास्तव में अगर हम चले जाएं हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर में बक्सों के साथ, तो तुरंत ईडी और आईटी पहुंच जाता है। ये विचित्र बात है कि आज तक इतने दिनों बाद प्रधानमंत्री के कवच के पीछे छुपकर ये गैरकानूनी काम जो सत्तारूढ़ पार्टी कर रही है, उस सुरक्षा चक्र के पीछे ये अत्यंत दयनीय है, भर्सना योग्य है और तुरंत इस पे तहकीकात होकर एक घोषणा होनी चाहिए चुनाव आयोग द्वारा कि सही तथ्य क्या है। तीसरी बात जो हमने बताई वो बड़ी रोचक है। आपको याद है कि 12 तारीख को हम ही लोग आए थे और मेरा सौभाग्य था कि कांग्रेस तरफ से मैंने दलील की थी कि ये जो विभाजन की घृणात्मक वक्तव्य आ रहे हैं, और 12 तारीख को हम 3 वक्तव्य लाए थे, एक ही दिन तीनों बोले गए थे। नांदेड में प्रधानमंत्री द्वारा, लातूर में अमित शाह द्वारा, मेरठ में श्री बिष्ट द्वारा, जो घृणात्मक हैं, वैमनस्य फैलाते हैं, विभाजन करते हैं, इनके ऊपर हमारी 12 तारीख की दलील के ऊपर, बल्कि हमारी दलील को मानते हुए चुनाव आयोग ने कल एक बहुत अति महत्वपूर्ण आदेश पास किया है, शायद पहली बार स्वतंत्र भारत में, कि आप अमुक दिनों के लिए कैंपेन से वंचित रहेंगे अगर आप इस प्रकार के वक्तव्य देंगे। तो हमारी दलील आज इस तीसरे रिप्रेजेंटेशन में बड़ी सरल थी कि साहब, सिद्धांत आपने मान लिया है, यानी सिद्धांत अब स्थापित हो गया है चुनाव आयोग के एक ऑर्डर द्वारा, कल वाले ऑर्डर द्वारा। जब सिद्धांत स्थापित हो गया है तो आपने अभी तक एक्शन माननीय प्रधानमंत्री और माननीय सत्तारूढ़ पार्टी के माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध क्यों नहीं लिया है? सिद्धांत सबके लिए सर्वोपरि है, कानून सबके लिए बराबर है, आप कितने भी ऊंचे हो,
और ये आवश्यक है कि तुरंत विशेष रूप से अमित शाह जी को रोका जाए कैंपेन से, क्योंकि जो उन्होंने वक्तव्य दिए हैं वो भद्दे हैं, ऋणात्मक हैं और एमसीसी का उल्लंघन है। ये बात हमने दोहराई और उन वक्तव्यों में एक दो वक्तव्य और जोड़े और कहा कि समान सिद्धांत सबको तुरंत अप्लाई होना चाहिए। अब हमारे पास प्रेसिडेंट है कल के ऑर्डर का। चौथा हमारा रिप्रेजेंटेशन था करूर के विषय में। करूर में हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं मिस ज्योति मनी, उन्होंने लिखित कंप्लेंट की है जिसके दो पक्ष हैं। एक तो कि वहाँ के जो सत्तारूढ़ पार्टी है वहाँ के कार्यकर्ता उनको दिन भर कैंपेनिंग से अवरुद्ध रखते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकथाम करते हैं, व्यवधान पहुँचाते हैं। दूसरा, जब वो इसके बारे में कंप्लेंट करती हैं तो वहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और जो सरकारी यंत्र तंत्र हैं वो किसी रूप से सहयोग नहीं करते, उल्टा सहयोग तो दूर, बाधा हटाना तो दूर। उन्होंने उनको धमकी दी है कि हम आपके विरुद्ध यानी प्रत्याशी ज्योतिमणि के विरुद्ध FIR लॉन्च करेंगे। तो हमने कहा है कि इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए तुरंत जांच करें चुनाव आयोग, वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर को अगर आवश्यक हो तो हटाए और ऐसे चीज़ों में प्रतिबंध लगाए जो सीधा तरफदारी है। अंतिम बात, हमारा पांचवा रिप्रेजेंटेशन, मैंने खुद ने कहा चुनाव आयोग को अभी कि हम ये रिप्रेजेंटेशन नहीं भी देते तो ये कैसे अजीबोगरीब व्यक्ति हैं जो अपने आप को गणतंत्र लोकतंत्र के एक सेनानी मानते हैं। BJP के अध्यक्ष और नेता सत्ती साहब हिमाचल प्रदेश में, जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है वो इतना भद्दा है, इतना घृणात्मक है, इतना गटर के लेवल का है कि मैं आपके सामने दोहरा नहीं सकता। लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात जो है, चिंताजनक कहें, गैरकानूनी कहें, कि किसी रूप से खेद प्रकट करना तो दूर, माफ़ी मांगना तो दूर, भविष्य में वापस नहीं दोहराने की बात करना तो दूर, ये व्यक्ति बेशर्मी से खुले रूप से कहता है कि मैं किसी रूप से माफ़ी मांगना नहीं चाहता, न मांगूंगा, मेरा वक्तव्य बिल्कुल सही है। और सही इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी विरोध करते हैं मेरे प्रधानमंत्री का। मैं समझता हूँ अगर ऐसा व्यक्ति इस शब्द का प्रयोग करे तो हमारी पार्टी में, मोदी जी नहीं करेंगे, मोदी जी से आशा नहीं की जा सकती, लेकिन हमारी पार्टी में 30 सेकंड में उसको लंबित करके हटाया जाए। इस पार्टी में इस बेशर्मी से इस शब्द का प्रयोग करना और उसके बाद उसका समर्थन करना, कोई एक्शन, आज 3 दिन हो गए हैं कोई एक्शन नहीं लिया गया है। चुनाव आयोग एक तरफ है, उनकी खुद की पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया और उन्होंने मनाही नहीं की है कि मैंने नहीं कहा। ये शर्म की बात है, ये BJP के सही चाल चरित्र और चेहरे को दर्शाती है, उसकी सही पहचान है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं और चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि तुरंत ऐसे व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाए न्यूनतम 72 घंटे या 4-5 दिन का। धन्यवाद। कौन सा बयान? बिहार में जाकर एक बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है अल्पसंख्यकों को कि आप अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक है, आपको बांटने की कोशिश की जा रही है, आप बटे नहीं एकजुट होकर वोट करें तभी तारीख अनवर जीतेंगे। क्या इस तरह के बयान? मैंने वो बयान पढ़ा नहीं है, लेकिन जो आपने उसकी समरी दी है उसके अनुसार मुझे कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता है। अगर आपत्तिजनक होगा तो चुनाव आयोग के संज्ञान में आएगा। लेकिन जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स हम पिछले एक हफ्ते से सुन रहे हैं, जिनके बारे में मैं आपके सामने अवगत कर रहा हूँ, उसके तुलनात्मक रूप से तो मुझे कुछ भी नहीं लगता इसमें। अगर आपको ये दर्द इस पे हो रहा है, आपके मेरा मतलब आपसे नहीं है लेकिन लोगों को इस पे दर्द हो रहा है, तो आप समझ सकती हैं कि जिन वक्तव्यों का उदाहरण मैंने दिया है वो तो चरम सीमा को पार करके एक दूसरे देश में पहुँच गए। कौन सा बयान? आजम खान ने एक जयप्रदा के बारे में, मैंने खुद ने उसी दिन AICC में उसकी निंदा की थी, भर्त्सना की थी। उसके बाद चुनाव, हम लोग दोहरे मापदंड नहीं अपनाते, दोगली आवाज में नहीं बोलते।
मैंने खुद ने ऑफिशियल चैनल से किया है और उसके बाद चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है। क्या मोदी जी ने मिस्टर सत्ती को रोका है 3 दिन से? सर, देखिए ये सब आप दूसरी दूसरी पार्टियों के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं, पहले आप तथ्य अवगत कर लीजिए। मेरे पता नहीं इसके बारे में, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को पता नहीं कि किसी भी देश का व्यक्ति सिर्फ कैंपेन या प्रचार के लिए प्रतिबंधित है कि नहीं, मुझे इसका ध्यान नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो इसके विषय में पूरी सूचियाँ होती हैं और चुनाव आयोग को चेक करना पड़ेगा। सिंह साहब एक सवाल है सर, कांग्रेस कैन होल्ड इट्स हेड हाई विद प्राइड बिकॉज वी फॉलो इक्वल स्टैंडर्ड्स फॉर एवरीवन। इट इज द बीजेपी विच स्पीक्स इन डबल वॉइसेस, इट्स द बीजेपी विच स्पीक्स इन ए मैनर विच इज कम्प्लीटली हिपोक्रिटिकल। इफ द इलेक्शन कमीशन फाइंड दैट आई एम नॉट एट ऑल एक्सेप्टिंग व्हाट यू आर सेइंग, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स बिहाइंड इट, बट इफ द इलेक्शन कमीशन फाइंड्स, लेट मी आंसर योर क्वेश्चन बाय आस्किंग यू, इन अरुणाचल प्रदेश देयर इज एडमिटेडली फाउंड, सो लॉन्ग एक्शन इज टेकन, दिस इज ओनली एन एलिगेशन। थैंक यू सर। सिंह सर एक सवाल है, शकील अहमद का क्या स्टैंड है? ये भी एक बड़ी क्लियर है, ऐसे नहीं बोलिए आप, मैं स्पष्ट पूछिए क्या किस बारे में। जो मधुबनी से दो सवाल है सर, एक तो शकील अहमद ने निर्दलीय और कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पे 2 सीट में पर्चा भरा है, तो उस पर कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है शकील अहमद की उम्मीदवारी पर? अभी तक अंतिम तिथि विथड्रॉल की नहीं आई है, उसके बाद बात करें। और एक लखनऊ को लेकर के सर, कि लखनऊ में पूनम सिन्हा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार होंगी, तो क्या, और कांग्रेस ने अब तक कोई उम्मीदवार ऐलान नहीं किया, तो क्या वो विपक्ष की साझा उम्मीदवार हो सकती है पूनम सिन्हा, इस पे क्या है? ये इन चीज़ों के बारे में कैसे कोई बता सकता है, ये आपको पूछना चाहिए समाजवादी पार्टी से। अभी तक इस महिला को समाजवादी पार्टी का टिकट तक नहीं मिला और आप बोल रहे साझा कैंडिडेट, अगर मिलता तो क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी? बात करेंगे बाद में, इसकी बात करेंगे। देखिए इस प्रकार के स्पेकुलेशन प्रेस के सामने निरर्थक है, ऐसी कोई बात मैंने न सुनी है न मेरे संज्ञान में है। जब कुछ जरूरत होगी तो इस विषय में चर्चा करेंगे, अभी कोई ऐसे विषय में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।